आपने यखनी पुलाव की रेसिपी तो मेरे ब्लॉग पे कई बार पढ़ी है, बल्कि रोज उस पर तकरीबन 100-200 हिट्स होते हैं, तो मैंने सोचा आज मैं आपको पका के भी दिखा दूं। तो सबसे पहले यखनी के लिए एक पोटली तैयार होती है, और उस पोटली में होता है सौंफ, साबुत धनिया, काली मिर्च, ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, प्याज, लहसुन और अदरक। इसके प्रोपोर्शंस मैं लिख दूंगी या मेरे ब्लॉग पर आप जाके देख सकते हैं। इसको फिर आप एक पोटली में बांधें, पोटली मलमल की होनी चाहिए। अब मेरे पास मलमल की पोटली नहीं है, मैंने थोड़ा सा और कन्वीनियंस के लिए ये इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये देखिए, ये एक स्टील की जाली में है, तो इसके साथ मैं उबाल लेती हूँ, फिर इसी में से निचोड़ लेती हूँ। तेज पत्ता भी मैंने पानी में डाल रखा है। अब जितना भी आपको चावल पकाना है, जैसे मैं 5 कप चावल पका रही हूँ, तो इसमें आप 10 कप पानी डालिए, और फिर पानी डाल के उसके अंदर गोश्त डालिए, वो पोटली है ये, जैसे मैंने जाली डाली है, और तेज पत्ता डाल के, नमक डाल के इसको अब पकाइए। यखनी पुलाव का मतलब ही होता है, यखनी का मतलब सूप। तो जब आप सूप बनाएंगे, उसके बाद उस सूप में चावल पकेगा, और ये बिरयानी और यखनी पुलाव की फ़र्क है। पुलाव और बिरयानी का फ़र्क यही है कि बिरयानी लेयर्ड राइस होती है, जिसमें आप चावल के साथ, चाहे गोश्त, चाहे जो भी और आपकी पसंद की चीज़ है, मछली है, सब्जी है, आप उसको लेयर करें। लेकिन यखनी जो है वो पहले एक सूप बनेगा। अब ये सूप को मैं प्रेशर कुकर करूँगी, ये जितनी भी देर आपको लगती है गोश्त गलाने में, यहाँ पे मैं इसको करीब 15 मिनट करूँगी, क्योंकि ये अच्छा फ्रेश गोश्त है उसके। और ये भी याद रखिएगा कि गोश्त जो है वो उसमें भी गलेगा थोड़ा चावल जब पकेगा, तो यहाँ पे आप थोड़ी सी गुंजाइश गोश्त में रखिएगा। तो अब मैं इसको गोश्त को चढ़ा रही हूँ प्रेशर कुकर में, और ये मेरी फिर यखनी तैयार होगी, उसके बाद हम लोग पुलाव बनाएंगे। अब जब तक गोश्त पक रहा है यखनी पुलाव का, और यखनी तैयार हो रही है, तब तक के हम प्याज ब्रियां करते हैं। प्याज को ब्रियां करने में भी काफ़ी वक्त लगता है। आपने जैसे देखा कि प्याज को बहुत बारीक काटना चाहिए, थिनली स्लाइस, और इसको, इसी प्रोसेस को, इसको तलने के प्रोसेस को ही ब्रियां कहा जाता है, जिससे लफ्ज़ बिरयानी आता है। क्योंकि ब्रियां कहते हैं किसी भी चीज़ को फ्राई करना, रोस्ट करना, और तली हुई प्याज को कहते हैं बिरिश्ता। अब इसमें मैं प्याज के साथ साथ थोड़ा सा तेज पत्ता, 2-3 लौंग, वैसे तो सारी खुशबुएं जो हैं वो यखनी में हैं, लेकिन ये मैं ऊपर से डाल देती हूँ, एक थोड़ी सी लौंग, तेज पत्ता, काली मिर्च और एक छोटी इलायची। काली मिर्च नहीं, सॉरी, मैंने लौंग डाली है, काली मिर्च ये अब डाल रही हूँ, ताकि इसमें थोड़ा सा चावल में भी खुशबू और आ जाए। वैसे तो, और जैसे कि मैंने अर्ज किया कि इस प्रोसेस को ब्रियां कहते हैं, प्याज को ब्रियां करना। प्याज जब ब्रियां हो जाएगी तो बिरिश्ता बन जाएगी, और इस ब्रियां से ही नाम बिरयानी आया है। नुस्खा शाहजहां ने, जो शाहजहां के ज़माने में एक किताब लिखी गई थी, रेसिपी बुक, उसमें जो जिक्र है वो है ज़ेर बिरयान, मतलब कि लेयर्ड राइस, किसी चीज़ के नीचे ज़ेर करना, मतलब उसके नीचे करना, तो ऊपर चावल, नीचे गोश्त या पनीर। उसमें पनीर की भी रेसिपी है जो खाते थे बादशाह शाहजहां, पनीर का की बिरयानी। और एक है नूर महली बिरयानी, जिसमें माही ही, यानी कि मछली का की बिरयानी है। लेकिन मुझे, मैं लखनऊ में पली बड़ी, और मुझे लखनऊ के यखनी पुलाव के आगे कोई बिरयानी नहीं पसंद है। अगर यखनी पुलाव आपने अच्छा पकाया है, तो उससे बेहतर और कोई बिरयानी हो नहीं सकती। लेकिन जैसे कि अब्दुल हलीम शरर ने कहा है अपनी किताब गुज़िश्ता लखनऊ में, कि बिरयानी पकाना तो ठीक है, एवरीबडी कैन मेक ओके बिरयानी, लेकिन बढ़िया पुलाव बनाना इट्स एन आर्ट। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक अ गुड पुलाव बिरयानी, बिकॉज इट इज़ सो स्पाइस्ड अप एंड यू हैव सो मच मसाला इन इट, कि इट विल इनवेरिटली टेस्ट नाइस। लेकिन यखनी पुलाव में तो बहुत ही कम मसाले होते हैं, और मुझे इसीलिए ये अवध की जो कुकिंग है, जो अवध की क्विजीन है, जो वहाँ पे खाने पकते हैं, वहाँ का जो पकवान है, उसमें एक बहुत ही डेलिकेट टेस्ट होता है, कि
जैसे कि अवध की नज़ाकत मशहूर है, तो उसी तरह से वहाँ का खाना भी मशहूर है कि उसका जो मज़ा है वो इस तरह का नहीं होना चाहिए कि ओवर पावरिंग हो गया, आपने बहुत तेल डाल दिया, बहुत मसाले डाल दिए, गरम मसाला डाल दिया, फिर तो अच्छा होना ही है चीज़ को ना, अच्छा या बुरा जो भी कुछ। मुझे तो आई डोंट लाइक एनीथिंग विच इज़ हाईली स्पाइस्ड और ऑयल विद अ लॉट ऑफ ऑयल, आई लाइक अ डेलिकेट टेस्ट एंड दैट इज़ वाई आई लव यखनी बिरयानी, सॉरी यखनी पुलाव। आई एम ऑल्सो गेटिंग कैरिड अवे बाय बिरयानी, दैट इज़ वाई आई लव यखनी पुलाव। एंड रिमेंबर व्हेन यू आर फ्राइंग द अनियंस यू हैव टू कीप स्टरिंग इट, अदरवाइज इट विल नॉट गेट evenly brown, it has to be golden brown, and then you take it out and keep it for garnishing. The oil that you used in the oil that it has been fried in will now be used for making the rest of the pulao. मैंने पोटली थी उन तो बनाई थी स्टील इसके अंदर, स्टील वाले उसके अंदर, लेकिन अब उसके अंदर से जो बाकी रस है वो मैं इसमें से करके निकाल रही हूँ। और अगर आप पोटली का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें तो क्योंकि जाली थी तो ज़्यादातर सारा उसका शोरबा निकल ही गया है, जूस जो होता है, लेकिन अगर आप पोटली का इस्तेमाल करेंगे तो उसको ज़रूर खूब कस के निचोड़िएगा, क्योंकि नहीं तो सारी असली माल जो है ना, असली खुशबू उसकी वो अंदर रह जाती है। ये आप पोटली में भी बना सकते हैं, या अगर आपके पास जाली नहीं है तो पोटली मलमल की होनी चाहिए। ये देखिए निकल रहा है ना इसका जूस, निकला है ना, ये असल इसका अर्क है। उस पोटली में जो मैंने मसाले डाले थे ये इसका असल अर्क है, इसको ज़रूर निचोड़िएगा। मेरी ये बिरिश्ता तैयार है, इसको मैं अब ऊपर गार्निश के लिए लगाऊंगी जब दुनिया यखनी पुलाव तैयार हो जाएगा। चावल जो हमने पहले से सोक किया हुआ था, कम से कम 1 से 2 घंटा आप बासमती सोक करिएगा, उसके बाद उसको आप पानी सारा निचोड़ के, क्योंकि पानी आपका यखनी का होगा, इसमें सारा पानी निचोड़ के इसमें डालिए और फिर चावल के साथ थोड़ा सा उसको गोश्त को भूनिए। चावल अगर अच्छे से तेल में कोट हो जाएगा तो फिर खिल के आएगा। और दिल्ली और लखनऊ की बिरयानी में यही फ़र्क है कि हम बासमती इस्तेमाल करते हैं लखनऊ में, और दिल्ली में सेला चावल इस्तेमाल होता है बिरयानी में। दिल्ली में तो यखनी पुलाव नहीं बनता, ज़्यादातर बिरयानी ही बनती है, और अगर यखनी पुलाव बनता भी है तो वो भी सेले में ही बनता है, लेकिन मुझे तो बिरयानी पसंद है। अच्छा, बिरयानी का जो ज़्यादातर जब आप चावल पकाते हैं तो पानी जो है वो गिन के डालते हैं, कि जैसे कि आपने 1 कप चावल लिया तो 2 कप पानी पड़ेगा बासमती में, लेकिन यहाँ के ऊपर क्योंकि मैंने पहले ही नाप लिया था यखनी के लिए तो इसमें नापने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम पानी डालेंगे यखनी वाला, और फिर ये तब पे पकेंगी। और इसमें थोड़ा सा नमक मैंने बिरयानी में यखनी में डाला था, थोड़ा सा नमक इसमें मैं डाल दूँगी। ये देखिए अब यखनी में, यखनी का जो यखनी था, जो ब्रॉथ था, सूप था, वो इसमें मैंने डाल दिया है, नपा हुआ है, इसमें मैं अब थोड़ा सा नमक डालूंगी और फिर ये दम पर रखूंगी। एक दफ़े जैसे ही उबाल आ जाता है चावल में, फिर उसके बाद उसको अब दम पर रखिए। जब तक के यखनी का चावल तैयार हो रहा है हमारा थोड़ी सी बातें करते हैं। लखनऊ के और दिल्ली के खाने में मसाले और तेल का फ़र्क है चावल का। जैसे मैंने कहा कि लखनऊ में बिरयानी या पुलाव बासमती चावल का बनता है और दिल्ली में सेले का, सेला चावल इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर दिल्ली में मसाले काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन लखनऊ में जो नवद के, जो अवध के नवाब थे, उनका पर्शियन एंसेस्ट्री थी और तब तक के काफ़ी इवॉल्व हो चुका था खाना। दूसरी ये कि मुग़ल जो थे उनका खाना जो था वो इन्फ्लुएंस था उनके लाइफस्टाइल से, उन्होंने बहुत जंगें लड़ी तो उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो बैठ के और लवाजमात जो है वो हर तरह से खाने में, हर तरह से खाने में लवाजमात तैयार हों या खाने के बहुत ज़्यादा चोचले हों। लखनऊ में नवाबों के पास लड़ना तो उन्हें था नहीं, तो उन्होंने चोचले बहुत सारे पाल रखे थे कि एक किसी बावर्ची ने ऐसी खिचड़ी बनाई जिसमें सिर्फ पिस्ते और बादाम का इस्तेमाल हुआ, तो बादाम जो थे वो चावल की तरह काटे गए, पिस्ते जो थे वो धुली उड़द की दाल की तरह काटे गए, जो हरी उड़द होती है उसकी तरह काटे गए, तो इस तरह के वहाँ चोचले हुआ करते थे। कि लखनऊ का जो टेस्ट है वो बहुत डेलिकेट है, बहुत नाजुक खाने का टेस्ट है, और वही खाना मुझे पसंद है। मुझे मसाले आज तक नहीं ज़्यादा पसंद है। अब इस चावल को हम दम पे कर देंगे। देख सकते हैं कि एक एक दाना चावल का खिल के बाहर आ रहा है।
इसको दम के ऊपर अब पकेगा तो ये सारा पानी इसमें जब्त कर लेगा। अच्छा एक आपको और मैं बताऊं, अगर कभी पानी ज्यादा हो जाए तो पतीली को कपड़े से ढक दीजिए, तो जो कपड़ा है वो सारा उसका एक्सेस मॉइस्चर जो है ना, एक्सेस मॉइस्चर वो अब्सॉर्ब कर लेगा, जब्त कर लेगा और आपका पुलाव फिर खुश्का और सूखा हो जाएगा। हमारे यखनी पुलाव तैयार है और क्या खुशबुएं दे रही है। और एक काम ज़रूर कीजिएगा, ये वैसे तो मैं अभी सर्व करने के लिए नहीं, आपको उसे दिखाने के लिए कर रही हूँ। जितने तेज़पत्ते वो सब होते हैं, जब आप सर्व करेंगे तो तेज़पत्ते हैं, वो इलायची है, उसको हाथ से हटा दीजिएगा अगर आपको सामने दिख जाए तो। और जब मैं सर्व करूँगी डिश में तो मैं दोबारा से उसके ऊपर ये बिरिश्ता डालूँगी, इस वक्त तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि चावल खिल के आया है और क्या खुशबू दे रहा है।